कुछ खंडर के अंदर है। हाँ हाँ ये मैं जल्दी जल्दी चलो पहले लोग पूरा कल फिर हो जाते थे Thank you.
खाली अपने अपने लीजिए चावल रहता था चावल का बोरा पानी आम जान तक साफ जहां नमी है वहां आबादी कम थी, जानवर ज्यादा होते, लोग घर घर में गौ पालते थे, इसलिए रात्रि काल के लिए वो देखिए ताक आपके गांव में रहता है, ताक का दिया हर जगह। आपका प्रश्न था ना सर कि क्या हर जगह है माइका? नहीं, हर जगह वो घी की दीप है, जैसे वहाँ भी कॉर्नर में देखिए हर जगह। अरे फोटो बाद में कीजिएगा, चलिए ले। चलो भैया, इलाई के खंडर है, इलाई का खंडर है वो है, क्या है खंडर कुछ नीतीश कुमार को लगता है आनंद से गुप्त काल के सिक्के मिले, जिसे हमारी अभी सिक्के में अशोक स्तंभ है, उनके सिक्के में धनुष का सिंबल मिला। धनुष जो है गुप्त राजाओं की राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये आंगन की खुदाई हुई, बिल्डिंग बनी थी और धनुष का सिंबल मिला। इससे प्रमाणित हुआ ये बिल्डिंग गुप्त काल की है, वो हर की है। और 700 वर्षों तक हमारी ये रनिंग पीरियड है, 600 वर्षों तक ये जमीन के नीचे दबी रहे। 12वीं सदी में खत्म हुआ है, ब्रिटिश शासन तो हमारी आपकी मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ, ब्रिटिश का दैनिक खुदाई कार्य किए, लेकिन नई चीजों मिले, बुद्ध की मूर्तियां सब अपने देश लिए।
दो ही शासन काल में आपका इंडिया पीछे हुआ, पहला मुस्लिम राज दूसरा देश। रंजन जी कहीं भी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर जाना मना हो गया है सर। पहले हम लोग 99 से इसके ऊपर ले गए पर्यटकों को, अभी ऊपर जाना बंद है, 99 से बंद हुआ है। अब आपके मन में प्रश्न ये हो सकते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इसी जगह पर नालंदा क्यों बनी? तो आज से 1600 वर्ष पुराना नालंदा है, 5वीं सदी की है, 21वीं सदी में आप देखने आए हैं। उससे 1000 वर्ष पहले भगवान महावीर और बुद्ध का टाइम कहे जाते हैं, 6th century BC। समकालीन थे दोनों का कथन एक ही था, अहिंसो परमो धर्म। तो 6th century BC में यह एक आम का जंगल था, इस जगह को नालंदा नहीं अम्र पवारिका वन कहे जाते थे। उस समय ये बिहार राज नहीं थी, मगध राज थी और मगध देश की राजधानी राजगीर था, जहाँ के राजा बिंदुसार। उस समय पहले महावीर आए, बाद में बुद्ध आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोनों महापुरुष आए, इसलिए इस जगह पर नालंदा बने। भगवान महावीर के जाने के बाद जब बुद्ध आए थे, उस समय राजा बिंबिसार यहाँ राजगीर के थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, तो सारनाथ से धर्म का प्रचार किए। राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे 6 वर्षों तक बंबू गार्डन राजगीर में बेनू वन में वो ठहरे और ग्रिड कुट पहाड़ पर जाकर राजा बिंबिसार को उपदेश देते थे, उस क्रम में यहाँ आया करते। यहाँ आने के बाद नालंदा के 2 डिसाइपल बनाए, जो आगे चलकर बुद्ध के परम 5 डिसाइपल हैं। उनमें 2 नालंदा के हैं, एक का नाम सारिपुत्रा है, दूसरा का नाम महामुगलायन है। महामुगलायन की मृत्यु सांची में है, वो सांची स्तूपा मध्यप्रति भोपाल में बनी। सारिपुत्रा का जन्म नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुई, उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में उन्होंने 84,000 अस्तूपाओं का निर्माण किए, उसमें एक अस्तूपा ये नालंदा में आप देख रहे हैं, जो सारिपुत्रा की अस्तूपा है। फिर गुप्त राजाओं ने उधर हॉस्टल बनाए, इधर टेंपल बनाए, जो फर्स्ट सीढ़ी आप देख रहे हैं वो गुप्त क्रिएट की है, सेकंड सीढ़ियां देख रहे हैं हर्ष क्रिएट की है, थर्ड सीढ़ियां देख रहे हैं पाल क्रिएट की है। ये सारे मंदिरों के ऊपर बुद्ध की मूर्तियां थी, जो टूटे फूटे मूर्तियां मिले सारे म्यूजियम में रखे, आगे वो टील है उधर खोदेंगे और नालंदा मिलेगी, लेकिन खुदाई काम कंप्लीट बन गया। यहाँ जो छात्र बता रहे हैं, यहाँ जो पढ़ने आते थे स्टूडेंट चाइना कोरिया थाईलैंड बर्मा से, किसी कारणवश से मर जाते थे, उनकी डेड बॉडी को उनके घर ले जाने के यातायात का साधन नहीं था, उनको जलाकर उनकी योग्यता के अनुसार ये गोल गोल सारी ये समाधियां बनी हुई है, जूनियर सीनियर प्रोफेसरों की योग्यता के अनुसार बनी हुई है। उस हॉस्टल जो अलग सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए पूजा करने की वो मंदिर है, उस डिपार्टमेंट का जो रहते छात्र उस मंदिर में जाकर लोग पूजा करते, उस डिपार्टमेंट के लिए जो मर जाते वहीं उनकी देखे मंदिरों के आगे गोल गोल समाधियां है। तो ये लाइन जितने देख रहे टेम्पल लाइन है, वो जितने देख रहे हॉस्टल लाइन, यही 2 लाइनों में नालंदा मिली, ये लास्ट बाउंड्री है, इसके आगे खुदाई काम बंद है। यहाँ अभी लाइब्रेरी नहीं मिले, दरवाजे नहीं मिले, कहीं से भी फोटो तो बनाकर जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस जाने का रास्ता है। यहाँ से पढ़ने के बाद छात्रों को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लोग ज्ञान धर्म का जो प्रचार करते उन्हें उनकी सर्टिफिकेट। इस जगह का नाम नालंदा है, 2 अक्षरों के मेल से बनी, नाल प्लस दा, नाल मीन्स होते हैं कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो जगह ही है नालंदा। इसकी लिखी हुई बुक लेंगे तो बाहर गेट पर नालंदा बुक मिलेगा, उस हिंदी और इंग्लिश में, उस बुक का मैं राइटर भी हूँ, आपका गाइड भी हूँ, मेरा नाम उसमें लिखा है डॉक्टर गंगा, यही यहाँ का हिस्ट्री है। आप लोग का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते सर, नालंदा राजगीर बोध गया कहीं के बारे में मुख्य रूप से उसमें मूर्तियाँ
का मूर्तियाँ वैसी है जिनकी जो प्रोफेसर लोग हैं उनका लग जाता है, लेकिन बाकी लोग नहीं। ये समाधियों में ही कहीं कहीं मूर्तियाँ की आपकी सारी वो बुद्धों की विभिन्न पौधों की बुद्धों की मूर्तियाँ मिली है। इन लोगों को कोई मूर्ति नहीं, जो स्मारक बना उन लोग सबसे वाला स्मारक है। समाधि जो है, सॉरी जो समाधि है वो समाधि में से इन लोगों का जो समाधि है। जैसे आप लोग खाते हैं ये भी समाधियाँ हैं, लेकिन देखिए इधर से आपका मूर्तियाँ टूट गई है। ये सब देखिए, यहाँ डिजाइन देखिए, ये देखिए थोड़ा जो जगह ऐसी मूर्तियाँ रहा करती थी, तो बौद्ध बौद्ध का है, बुद्ध की मूर्तियाँ जो भी यहाँ मिला है सारा बुद्ध की। ये बख्तियार खिलजी ने काट दिया सर उनका। तो वो मूर्ति पूजा भी पूजा करते हैं, महायान में मूर्ति पूजा होती है, हीन यान में मूर्ति पूजा नहीं होती है सर। मूर्ति पूजा जैसे हिंदू धर्म में
ये लिखा हुआ दोहरे चूल्हों का दो जोड़ा है जो सामूहिक भोजन बनाने अथवा प्रायोगिक अध्ययन के उद्देश्य से बने। एक इतिहासकार बोलता है जो दिखाएंगे खाना पकाने का चूल्हा, दूसरा इतिहासकार बोलता है कि नहीं चूल्हा था खाना पकाने का नहीं, वो हॉस्टल में मूर्ति गलाने बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट। चारों तरफ बाटिका हो गया, कमरे हो गए लगभग 30 का, और फिर उसी तरह से कुआ हो गया, कुआ भी हो गया। सर हमारे डिपार्टमेंट तो दो बात लिख दिया है, आपको जो मैडम आपको जो अच्छा लगे वही बात को फॉलो कीजिए। इसके नीचे भी होगा ऐसे स्टूडेंट्स का भी तो इसी तरह से चलते चलेंगे पूरा नालंदा आपको हॉस्टल का लाइन मिलता है। यही घुमा रहे हैं देखो, अभी बड़ा सा दिख रहा है ना वो है लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी है ठीक है।
उधर नहीं देखे, उधर वो साइड क्या था ना, बच्चा लोग बाहर से विदेश से आते थे ना, हाँ। यही सब रूम में आवाज था, मतलब रहने सहने का। ये हॉस्टल है, हॉस्टल था। अंदर घुसने में डर टाइप का लग रहा था, किला किला टाइप का लग रहा था। क्या है नहीं है अंदर में, बहुत अजीब अजीब का चीज बनाया हुआ था, देख रहे हैं सर। हाँ, ये तो कहाँ अंदर चूल्हा उल्हा शायद था, क्या था पता नहीं। चलिए, अरे बाप रे बाप, कितना क्रिटिकल है। चूल्हा शायद होगा, ऊपर कुछ होगा। अच्छा, खाना, हाँ चूल्हा वाला के बारे में बोल रहा था। हाँ। खाना वाना पकाने के लिए यहाँ से आँच लगाया जाता था, ऊपर से वो होता था। मेटल वगैरह गलाने के लिए बोल रहा था। तीन तो चूल्हा है, वो है तीन, बच्चा लोग रहता था। कितना रहेगा एक रूम में, तो एक ठो काफी रहता था पहले, जनसंख्या इतना थोड़ी ना था। आज भी पॉपुलेशन में पहले वाले मानता ना था, पहले तो था। दीवाल देख रहे, कितना मोटा मोटा सा, गर्मी ठंडा पता लगा। हाँ, नहीं पता चलेगा इसमें तो, उसमें लाइट भी नहीं था, बोलता था मोमबत्ती ये जलता था, दिया 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 वही। इतना बड़ा तो विक्रमशिला में भी नहीं है, इतना सब कुछ बहुत बड़ा था, नालंदा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। हाँ, विक्रमशिला भी हम गए हैं, लेकिन मतलब इतना बड़ा नहीं है विक्रमशिला। ये सब हॉस्टल नहीं है उसमें, बस यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल। इसमें तो हॉस्टल है भर के भर के। अरे ठीक है, अब आप ही को देख रहे हो, एक मोबाइल आपका वो है बंद है। हाँ, दोनों बंद करके। बड़ा अजीब सर, नहीं लाइट हो नहीं जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए एक नंबर जगह है। कोई देखो आएगा नहीं, हमें को आने में डर लग रहा था। समाधि वगैरह, आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ। ये देख रहा थोड़ा एडवेंचर चैप्टर का, गलती से चढ़ गए उस हथिया पर। हाँ, देखे चिल्ला रहा था, डांट से विदेशी। हम तो बराबर आते रहते हैं, लोकल है सर, यहाँ का बगल का घर ना है। गाइड वाला सब कितना पैसा देता होगा सर? 6,000-7,000 गाइड, जो हथियार ले ले उसको थोड़ा ज्यादा रहता होगा। गाइड गाइड सब जो बताता है सर, गाइड। हाँ, गाइड कमीशन लेता है जो जैसा पार्टी फंस गए। अच्छा अच्छा, बड़ा है तो। बोलता था अशोक अशोक सब आया इसमें, लेकिन गुलाब लगता है, गुलाब नहीं दूसरा गेंदा टाइप का, लेकिन गेंदा नहीं है। चलिए अब तो हो गया, उधर गए थे आपके साथ, तो गए थे अंदर, गए थे हॉस्टल वाला, तो वो उधर चला गया, पढ़ाई किधर किस में होता था। हाँ, हम बाहर जा रहे हैं, पूरे विश्वविद्यालय के पता दिखाई। जो हम लोग का एग्जिट गेट बोलता है, इधर से ही आना होता था, इधर से ही जाना होता था, एक ही तो गेट था। सीमेंट वेंट यूज नहीं करते थे, इतना मोटा मोटा दीवार, अभी हम लोग 5 इंच का दीवार में पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। ये अंग्रेज का जमाना का सब बना, देख रहे कितना मोटा मोटा दीवार सब। हम लोग का अभी का जमाना, अभी 5 इंच काफी है, 5 से 10 इंच उससे तो बनाते ही नहीं। ईटा भी देखे ना, ईटा आज से कितना साल का है, तो फिर भी अभी जैसे का तैसे चला। अभी 10 साल ईटा होता खराब हो जाता है। चिमनी सब ईटा है,
बहुत क्लियर कर दिया, इस समय सब डाउट था जो जहाँ मर्जी ये सब क्या कुआं तो था क्या था चूल्हा वाला मॉन्स्टर फाइव तो ये है हॉस्टल है देख रहे हैं लेकिन डिजाइन ही अलग है पूरा सब कंस्ट्रक्शन ही अलग है सब लेकिन साला ऊपर से छज एक भी नहीं रहा इसका मतलब टोड़ा होगा ऊपर से टोड़ा होगा तब ना छज्जा एक तो भी नहीं दिख रहा है जलाया वलाया होगा तो खत्म हो गया होगा सब सीमेंट वीमेंट है ही नहीं एक उठो चलिए देख लिए सारा कुछ हाँ बहुत दिन से सपना था कि आएंगे नालंदा घूमेंगे घूम ली ये वाकई बड़ा है विक्रमशिला से बहुत ज्यादा बड़ा है अभी देख रहे हैं उसका वो एकदम है ये है उसका वो यहाँ हॉस्टल ज्यादा है बता रहा है फॉरनर है सर फॉरनर है।